पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि आप देखिए ट्रैक्टरों की स्थिति ये है कि पूरा का पूरा ट्रैक्टर डूबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये स्थिति बहुत ही भयावह है। भयावह इसलिए भी है कि जो ग्राउंड फ्लोर का मकान है, जितने भी ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, वो सारे के सारे मकान आपको डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब तो नाव भी एक लेवल के बाद डूब गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो आप दिख रहे हैं, इस छोटे नाव से सहारे से सब कुछ किया जा रहा था, और वो भी है ट्रैक्टर जो है वो पूरा का पूरा डूब गया है। ये छोटी जेसीबी मशीन टाइप से थी, इससे कोशिश की जा रही थी कि चीज़ों को निकाला जाए, लेकिन ये सब भी डूब गया है। और ये पूरी तस्वीर नागद्वार इलाके की कैरड़ा गांव की है, और इस गांव में अब कुछ भी नहीं बचा है ग्राउंड फ्लोर पे। किसी भी तरीके से लोग यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी हैं, उन फैक्ट्रियों में भी एक तरह से पूरा का पूरा पानी घुस गया है, और हम एक ट्रैक्टर के सहारे पूरे गांव में जा रहे हैं। और ये भाई साहब, ये पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है जी। भाई साहब, ये तो बढ़ ही रहा है, और पानी पीछे से खोल दिया है, ऊपर से बहुत पानी रहा है। ये प्रशासन की तरफ से कुछ मिल रहा है आप लोगों को? अभी कॉलोनी में तो कुछ नहीं है, बाहर इन्होंने करेड़ा कंपोजिट कैंप में कुछ लगा रखा है, एनडीआरएफ कैंप वगैरह, पर कॉलोनी के अंदर कुछ नहीं है। किसी भी हो रही है सही से रेस्क्यू, हम खुद ही कर रहे हैं रेस्क्यू, हम खुद ही कर रहे हैं रेस्क्यू। कि आम लोग जो है खुद अपना रेस्क्यू कर रहे हैं और लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं, और निकाल निकाल के लोग अपने धीरे धीरे जो है वो अलग अलग इलाकों में, सुरक्षित इलाकों में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर उस जगह की है कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोग फंसे हुए हैं और किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष आपको पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहा है। आप देखिए, पूरा परिवार इस बात के इंतजार में है कि कोई वाहन आए, ट्रैक्टर आए, जिससे कि लोगों को निकाला जा सके, और उनको यहां से निकालने की कवायद भी चल रही है। उनको खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यह जो स्थिति है, पूरे गांव की स्थिति है। गाजियाबाद से सटा हुआ इलाका है, हिंडन का इलाका है, और इस इलाके में, हिंडन में ज़्यादा पानी आने की वजह से ये हालत हुई है, और अब जो है परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है। मैम, मतलब आप लोगों को लगा था इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आ गया है? नहीं सर, हमें नहीं लगा था बिल्कुल भी। अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले अपना इंतजाम कर लेते, हम दोबारा नहीं आना पड़ता यहाँ पे। बच्चों के लिए दूध का पाउडर लेके जा रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ ये। हाँ सर, क्योंकि अंदर पानी का कोई सिस्टम नहीं है ना दूध का, तो इसलिए डब्बे का दूध ले जा रहे हैं। तो मतलब जो खाने पीने का सामान है वो खुद से आप लोग बाहर से खरीद के? हाँ, सब कुछ बाहर से खरीद के ला रहे हैं, यहाँ से कोई प्रशासन को कोई वो नहीं है। कितना ट्रिप लगा चुके हैं सुबह से? हमारा तो भैया, पहले हम तो अपने घर का सामान लेने जा रहे हैं। अपन तो अपने घर का सामान लेने जा रहे हैं। देखिए, सब लोगों को निकालने की कोशिश है, कोई अपने घर का सामान लेने जा रहा है, कोई कुछ, और ये पूरे गाँव की कहानी है। ये गाँव एक की किसी की कहानी नहीं है। हालात बहुत ही बुरे हैं, और इस बुरे हालात में टीवी 9 भारतवर्ष आपको पूरा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कैरड़ा गांव के लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। छोटे नाव जिस तरह से, जिसको जैसे मौका मिल रहा है वैसे निकलने और निकालने की कोशिश में है। किसी भी तरीके से जान बचे, किसी भी तरीके से सामान बचे, और जान माल और सामान बचाने की ये कवायद है। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9।